हेलो स्टूडेंट, मौरू देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप पे आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड बताऊंगा। आपका ये टॉपिक पीसी सॉफ्टवेयर नाम की बुक्स में है, या आपका जो सिलेबस है आपका पीसी सॉफ्टवेयर उसका है, आपका टॉपिक है। ये मैंने एक ड्रॉइंग बनाई है जिसमें मैंने एमएस वर्ड को दिखाया है कि एमएस वर्ड्स के बेसिक फीचर क्या क्या है, या बोल सकते हो कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, या इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो जो सबसे ऊपर जो ये बनी हुई है उसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर कुछ चीज़ें होती है, एक होती है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि ये एक क्या नाम है, क्विक बटन्स होते हैं जो बेसिकली ज़्यादा यूज जाते हैं, जो आप यूजर जो ज़्यादा यूज करता है जिन ऑप्शन को, उन ऑप्शन को इसमें रखा जाता है। जैसे प्रिंट है, सेव है, ओपन है, न्यू है, ये सारे आपको क्या मिल जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएंगे। और इसके राइट साइड में आपको ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिलेगा। मिनिमाइज से आपका जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट का आ जाएगा स्टेटस बार में आ जाएगा, मतलब टास्क बार में आ जाएगा। और ये मैक्सिमाइज से आपका टास्क बार वापस ऊपर आ जाएगा। और जो ये क्लोज बटन से क्या हो जाएगा, आपका ये डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे आपका क्या है, ये है आपका मेन्यू बार। इसमें मेन्यू बार में क्या होता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी विकल्प हैं या जितने ऑप्शन हैं वो सारी आपको कहाँ मिल जाएंगे, इन मेन्यू में आपको मिलेंगे। यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन का चयन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकता है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा टूल बार। टूल बार क्या होता है कि टूल बार वे शॉर्टकट्स ऑप्शन होते हैं या वे शॉर्टकट्स विकल्प होते हैं जो यूजर अधिकतर इसको यूज में लेता है। जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट करना है, प्रिंट करना है, रीडू है, अंडू है, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएंगे, टूल बार मिल जाएंगे। और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा रूलर बार, जो आपके हॉरिजॉन्टली होगा और वर्टिकली होगा। ये आपके पेज का लेआउट दिखाएगा, मतलब पेज का मार्जिन दिखाएगा कि आपका पेज कितने साइज में चल रहा है, उसका स्केल क्या है, पेज का स्केल क्या है, A4 साइज है, लेटर साइज है, या कौन सा साइज का पेज है, और उसका स्केल क्या है, उसका मार्जिन क्या होगा, ये आपको कौन दिखाएगा, ये आपको रूलर बार आपको दिखाएगा। और ये जो एक निशान बना हुआ है इसको बोलते हैं कर्सर या इंटेक्शन पॉइंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंट बोलते हैं, या इसको कर्सर बोला जाता है, जो ये बताता है कि यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, वो आपका ये ऑप्शन यहाँ बताता है। ये आपकी पूरी क्या है, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट विंडो है जहाँ पर आप अपना लेटर या डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं। साइड में आपका एक स्क्रॉल बार होता है जो पेज को ऊपर और नीचे करने का काम आता है, उसको बोला जाता है वर्टिकली स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर और नीचे मूव करता है। उसी प्रकार से ये साइड नीचे ऊपर होता है, उसको बोलता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो पेज को लेफ्ट राइट में मूव करता है। और नीचे क्या है, इसके टास्क बार है, सॉरी स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या करता है या टास्क बार क्या करता है कि आपके ये बताता है कि अभी प्रोग्राम कौन सा रन है और आपका क्या, जो आपके डॉक्यूमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है वो आपको सब इसमें प्रदर्शित करता है, कि कितने कॉलम है या कितने पेज है वो सब की संख्या आपको यहाँ पे बताता है। और इसके राइट साइड में जूम स्लाइडर होता है जो पेज को जूम करने का काम आता है, इस जो माइनस से क्या होगा कम होगा, प्लस से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो ये आपके क्या बेसिक कंपोनेंट थे या बेसिक एलिमेंट थे किसके, एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड क्या काम आता है, एमएस वर्ड स्टूडेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है जो वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम आता है। वर्ड यानी किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो या किसी टेक्स्ट के बारे में आपको बताना हो या लिखना हो या उसकी फॉर्मेट करना हो, आपको अलग बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, ये मतलब आप कितने भी प्रकार के आप टेक्स्ट से संबंधित या वर्ड से संबंधित जितनी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग है आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप लेटर टाइप कर सकते हैं या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं या कोई पैराग्राफ या बुक, मतलब कुछ भी आप उसमें टाइप करके लिख सकते हैं और अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको कौन देता है, एमएस वर्ड आपको ये सुविधाएं देता है। मैंने आज केवल आपको इसमें क्या बताया, इनके एमएस वर्ड का केवल इंट्रोडक्शन बताया। कल मैं आपको इसके जो आपके क्या है मेनू बार के जो ऑप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रत्येक मेनू में
क्या क्या आपके ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शन क्या क्या काम आते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा। और इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।